हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग मेरी नए व्लॉग में। और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है मेरी जेट पंप के ऊपर, कि जेट पंप हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको कैसे हम चला सकते हैं। भाई नए हैं वो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा हौसला मिलता है और हमें लगता है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। तो दोस्तों चलिए अपने जेट पंप के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं ए टू जेड प्रोसेस की हमारा जेट पंप कैसे स्टार्ट होता है और हम उसको कैसे चला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जेट पंप के पास, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको क्या बताएंगे कि जेट पंप हमारा कैसे स्टार्ट करते हैं, हम इसको कैसे चला सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जेट पंप बाहर निकाल लेना आपको ऐसे करके, और ये हमारा इनलेट साइड है, इधर से पानी आएगा, और ये इसका नोजिल है। इस नोजिल को आपको इस तरह से लगा लेना है, चूड़ी है यहाँ पे, इस चूड़ी को इस तरह से कस लेना पूरा, ठीक है। दोस्तों ये हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसको क्या है, ये हमारा इसके अंदर ये पीछे करना पड़ता है प्रेस ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे करना है, पीछे की तरफ धकेलना है, और फिर हम इसको इसमें डालेंगे अंदर, और ऐसे अंदर कस देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये हमारा इसमें लॉक हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। एक तो स्टेप ये हो गई है, दूसरी स्टेप क्या है, आपका जो ये पानी वाला पाइप है इनलेट वाला, ये यहाँ फिल्टर लगा हुआ आगे, तो इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे ऐसे, ठीक है। इसको अंदर पानी में डुबा देना आपको, डुबोने के बाद यहाँ से आपको अपना ये बंद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जेट पंप का जो प्लग है इसको लगा लेना है बोर्ड के अंदर, तो ये बोर्ड है हमारा, यहाँ हम लगा लेंगे इसको अंदर बोर्ड के अंदर, उसको कहाँ से कर देंगे चट्टे ऑन, ये हमारा ऑन हो चुका है। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से ऑन करना है, और ऑन करने के बाद हमारा पानी यहाँ आएगा, आउटलेट होगा, मतलब इस साइड से आएगा पानी, इस साइड से टप का पानी आएगा और इस साइड से बाहर आएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको चालू करेंगे अब। तो दोस्तों हमारा जेट पंप स्टार्ट हो चुका है, और अभी ये हवा इसकी बाहर निकालनी है हमको, ठीक है। देखो पानी आ रहा है चल के वहाँ से, और ये पानी आ गया बाहर। तो आपको इस तरह इसका प्रेशर बनाना है पहले, जब इस तरह प्रेशर बन जाए जेट पंप में तो आपको यहाँ से बंद कर देना है। यहाँ से बंद करने के बाद आपको जो आपका ये गन वाला पाइप है, ये गन है, ये हमारा गन वाला पाइप है, ठीक है। इसको वो हमारी गन रखी हुई है और एसी भी रखा हुआ है हमारा, तो इसको हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से, इसके अंदर जाएगा ये, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद ये आपको ऐसे करके लगा लेना है पूरा अंदर टाइट होने के बाद, और इसको भी हमें टाइट कर लेना है चूड़ी इसके अंदर भी, उसको पूरा कस लेना आपको। ये मेरा टोटल लाइन कंपनी का जेट पंप है, और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। इधर साइड से हमारा पानी आएगा टप में से, ठीक है, ऐसे होता हुआ पानी आएगा इनलेट, और ये हमारा हो गया आउटलेट, ठीक है। ये हमने कस दिया है, अब आपको क्या करना है, जेट पंप को ऑन कर देना है यहाँ से, ये मैंने कर दिया है, और ये देखो बंद हो गया ऑटोमेटिक। अब आपको अपनी गन के पास जाना है, ये हम गन उठाएंगे यहाँ से, गन उठाने के बाद इसको आप दबाएंगे, जैसे ही ऐसे ही प्रेशर आ जाएगा, देखो ये प्रेशर आ गया, बंद करते ही जेट पंप भी हमारा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक थी हमारी, कि हमें किस तरह से अपना जेट पंप चालू करना है सर्विस करने के लिए एसी की, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो मेरे भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।